से भी। वो सिर्फ किक कर रहा है, सुहा भी ऐसे ही करती थी। मतलब जो एक्सपीरियंस सुहाना के टाइम पे मिस हो गया था वो आज मिल रहा है। क्या हुआ? ओके फाइन। बार बार मैसेज क्यों आ? सो अनोइंग। साइलेंट पे कर दो। यार क्या ये? क्या 30 मैसेजेस? 30 मैसेजेस? ये कौन मैसेजेस कर रहे थे? 40। What? ये किसी वीडियो के बारे में है। कौन सा वीडियो? पता नहीं, लिंक ये रहा, एक मिनट देखो। सेम लिंक है क्या? वो जिसने ये प्रूव कर दिखाया कि अ मैन कैन फिल इन अ वुमन्स शू। आई कैन प्राउडली से कि मेरे सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। वो कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरे देव ने उस कहावत की मायने ही बदल दी। अरे क्या बात है, किसी ने डॉक्टर सोनाक्षी बोस का अवार्ड सेरेमनी का वीडियो अपलोड कर दिया। नॉट बैड, अब तो सेलिब्रिटी बन गए। फेमस? हाँ भी तो फेमस हो, सेलिब्रिटी सुपर डैड। वो तो मैं पहले से ही हूँ। हाँ बस बस, लेकिन ये वीडियो किसने अपलोड किया? उससे क्या फर्क पड़ता है, किसी ने भी अपलोड। अरे वाह, बहुत सारे व्यूज हैं और लाइक्स देखो कितने हैं। डिसलाइक्स भी हैं। चलो पढ़ते हैं, मजा आएगा। This is exactly what I needed today. Great going. और नीचे पढ़ो। पार्टनरशिप तो ऐसी हो, वाह। और क्या है? ये इधर नहीं, ये इधर इधर नहीं, ये इधर देख, तेरे पीछे गोश लग गया, अब तो आ जाएगी मेरी चांस आने वाली है, मेरी चांस आने वाली है, ये मेरी चांस आ गई। नहीं तूने मुझे डिस्टर्ब किया इसलिए मैं हार गई, वरना मैं जीतने वाली थी। मुझे एक बार और खेलने देना प्लीज। हमने डिसाइड किया था ना कि हम टर्न बाय टर्न खेलेंगे, तो चीटिंग मत कर। गोलू प्लीज। मैं भी तो प्लीज बोल रहा हूँ ना, प्लीज। नहीं मैं खेलूंगा। नहीं मैं बीमार हूँ ना, तो अपनी सिस्टर के साथ ऐसा करेगा? कोई बीमार हो सिस्टर, कार्ड प्ले मत कर। तू बीमार है तो प्ले करेगी क्या? क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकती ना गोलू, प्लीज। ये ले सुहा, तू बीमार है ना, खेल। तो मेरे हिसाब से मार्क्स लाना ही सबसे मेन चीज नहीं, सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए आई एम सॉरी, मैं इस डिस्कशन का पार्ट नहीं बन सकता। हमने तो सोचा था मिस्टर दीक्षित को फ्रंट में रखेंगे, पर ये तो उल्टी पटी पढ़ा गए। सही। पता नहीं लोगों की सोच में क्या है। रहने दो, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है किसी से बात करने की, बजने दो फोन। आप फोन क्यों नहीं उठा रही? टीके को फोन लगाती हूँ। हेलो टीके। हाँ भाभी जी। माँ कहाँ है, वो फोन नहीं उठा रही है। अरे वो भाभी जी कई लोगों के फोन आ रहे हैं ना, इसलिए माँ जी ने फोन ही उठाना छोड़ दिया है। देव कहाँ है, देव को फोन दो। देव भैया तो अभी आए नहीं बच्चों को स्कूल छोड़ के। क्या अभी तक स्कूल से नहीं लौटे? क्यों लेके? पता नहीं है। ठीक है ओके। देव अभी तक स्कूल से क्यों नहीं लौटा? ये लो लो,
तुम मिलो, लो ये सब खाओगे ना तो बीमार नहीं पड़ोगे। लो, हमको तो खाना मिलता ही नहीं, हम सब खाना कैसे खाएंगे? अभी आप ये खा लीजिए और बाकी सब हम आपकी देखभाल कर लेंगे, ठीक है? वो आगे जाके देते ना, कम पड़ रहा होगा ना, जा। सुना किस तरह से बच्चे रह रहे हैं, इनकी कंडीशन में देख नहीं पा रहा हूँ। आई नो दादा, बहुत सैड है। गवर्नमेंट ने इतने सारे सब्सिडीज इनके लिए अलॉट किए लेकिन कुछ भी इन तक नहीं पहुंच पा रहा। इसलिए क्या हो सकता है? मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट ने जिस एजेंसीज को ये टास्क सौंपा है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। हमें एक काम करना चाहिए दादा। डन, बताओ। हमें ये इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए RTI एक्ट के अंडर कि इन अनप्रिविलेज बच्चों को क्या क्या सब्सिडीज अलॉट किए जा रहे हैं और कितने अमाउंट में, ताकि हमें ये पता चले कि इनको एक्चुअली क्या मिल रहा है। और मुझे लगता है कि शायद ये डेटा भी अवेलेबल होगा। ठीक है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। और इतनी सारी बुक्स। हाँ, मैं तो हैंड ही दुख गई इन बुक्स को राइट करने में। पहले बता, आज स्कूल में क्या हुआ? पिक्चर ने स्कूल के PTM में बार फाइट की। पापा ने? पर क्यों? वो मुझे नहीं पता, पर मुझे सिर्फ इतना पता कि पेरेंट्स वन टीम में थे, अब पिक्चर वन टीम में, पर पिक्चर में सुपर है, बस सब हैंडल कर लेंगे। तू सब थोड़ा कॉपी करना स्टार्ट कर लिए ले। मुझे तो इतने सारे कॉपी देख के मन ही नहीं कर रहा काम करने का। आईवी जेरॉक्स करके मैं पेश कर सकता, वो ऑप्शन नहीं है तो राइट ही करना पड़ेगा, वरना पिक्चर हमको टैब नहीं देंगे। प्लीज राइट कर लेना। मुझे भी आधे नोट्स कॉपी करना है ना। हाँ, बच्चों के बारे में आजकल कोई थिंक नहीं करता। आज स्कूल में क्या हुआ? बोलो, भूख लगी होगी ना तुझे, चल आजा खाना खा ले। हाँ। देव भाई, आप मेरे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए कि गोलू पूरे दिन क्लास से बाहर क्यों था? एलिना? देव, एलिना क्या बोल रही है? तू जवाब देना उसका। माँ, पनिशमेंट गोलू को मिली थी तो वो ही बताएगा। गोलू बता, तेरा दिन कैसा था आज? जब टीचर ने पनिश किया थोड़ा बुरा लगा, उसके बाद जब मैं बाहर था। गोलू, देव भाई आप जानते हैं कि मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने गोलू को खाली बैग देकर स्कूल क्यों भेजा? रीना, खाली बैग नहीं था, उसमें एक नोटबुक थी। जस्ट वन नोटबुक? देव भाई, गोलू के 9 सब्जेक्ट्स हैं और 8 पीरियड्स होते हैं और आपने सिर्फ एक नोटबुक भेजी? गोलू वही तो बता रहा था, लेकिन तूने उसे बात ही पूरी नहीं करने दी। बताओ गोलू। मैं पनिश था, उसके बाद मैं साइंस लैब पे डाल के चला गया। लैब में सिर्फ लैब असिस्टेंट्स थे, उन्होंने मुझे ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करके बताया। हमने एक जाग के अंदर क्लाट बना, उसके बाद हमने माइक्रोस्कोप से भी देखा, बहुत मजा आया। इतना तो हमारी टीचर ने भी हमें कभी नहीं सिखाया। अरे वाह गोलू, आपने तो एक ही दिन में बहुत कुछ सीख लिया, सारे एक्सपेरिमेंट्स भी याद है। हाँ बच्चा। देखा, गोलू ने इतना सब कुछ सीख, वो भी बिना बैग के बाहर के। एक मिनट देव, ये सब ठीक है पर ये क्या चल रहा है? गोलू, तुझे कल फिर सारी बुक्स लेके जानी है? नहीं, मुझे तो रोज न्यू थिंग सीखनी है। तो कल से एग्जैक्टली ऐसा ही होगा रोज। एक मिनट देव, ये तू बातें गोल गोल करना बंद कर दे और सीधे सीधे बताना क्या चल रहा है। माँ, बच्चे अब सीनियर क्लास में आ गए और मैंने भी इनकी पढ़ाई में अभी ध्यान देना शुरू। लेकिन ये स्कूल वाले सिर्फ इन पे प्रेशर डालते हैं, उन्हें बुक से रटने के लिए कहते हैं, उससे ना ही इन्हें कुछ समझ में आता है और ना ही कुछ सीखते हैं। इसीलिए मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे ये सब कुछ बदल जाएगा, ट्रस्ट मी। ए, आर,
एक मिनट देखिए भैया, वहां तक 14 हो गया ना? 14 काउंट हो गया। ठीक है, 15 16 17 18 19 20 ठीक है। 3 1 2 3 5 ये 5 घर के लिए है, इसको मिक्स मत कर देना, और ये बाकी के सब गाड़ी में रखवा देना। जी जी okay? समझ गया। अरे बाप रे, इतने सारे कैडबरी। सोनाक्षी आज कुछ खास है क्या? माँ दिवाली आ रही है ना, इसलिए मैंने सोचा कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को ये मीठी खुशियाँ भेज दूँ। दिवाली आ रही है, मैं तो भूल ही गई थी। ये तूने बहुत अच्छा किया बेटा, इस तरह सभी को दिवाली की शुभकामनाएं पहुँच जाएंगी। हाँ, और ये मीठी खुशियों का बॉक्स आपके लिए। मेरे लिए? मेरी कोई उम्र है क्या ये खाने की? माँ कैडबरी खाने की उम्र थोड़ी ना होती है। अच्छा तो ये भी बता कि मैं तेरी रिश्तेदार हूँ या दोस्त? आप मेरी माँ हो, मेरी दोस्त भी हो, और इस घर की सबसे बड़ी भी हो, तो शुरुआत तो आपसे ही होनी चाहिए, है ना? और हमारी खुशियाँ भी आपसे ही तो जुड़ी हुई है। थैंक यू। मेरी खुशियाँ भी तो मेरे बच्चों से ही है सोनाक्षी। एक मिनट माँ, मुझे पता है कि आप देवर मेरे डिसीशन से खुश नहीं हो, लेकिन आप सही हो, गलत नहीं। लेकिन माँ मैं देव को ये एक महीना देना चाहती हूँ। सभी तो ये नहीं करते ना जो देव कर रहा है, और पता है कि इस सोसाइटी में ये सब नहीं चलता है। लेकिन माँ अगर देव ये सब कर रहा है तो शायद सबके लिए इस सोसाइटी को एक नई मीठी इंस्पिरेशन दे रहा हूँ। ये सब मैंने अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए किया। इतना स्पेशल ओकेजन था। ओकेश, आज कुछ है? मतलब तुम्हें ओकेजन याद ही नहीं है? क्या है आज? तुमने मेरा दिल तोड़ दिया सोनाक्षी। तुम हमारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट डे भूल गई? देव बताओ ना, मैं मुझे नहीं नहीं बस बस कुछ मत बोलो। देव प्लीज बताओ ना, मैं भूल गई। ठीक है, मैं बुद्धू हूँ, अब भी बता दो ना मैंने क्या मिस किया। सोनाक्षी तुम कैसे भूल सकती हो? आज 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 हमारा रोमांस डे है। यू मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये क्या क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। शकल देखी थी अपनी? छोड़ो मुझे, चलो। कोई तो प्रॉब्लम है, अब देव दीक्षित तो मैं नहीं छोड़ सकता। हमारी मैनेजमेंट से लड़ाई खत्म नहीं हो जाती, हम सब पीस पीस बच्चों की जिम्मेदारी लेंगे। बच्चों की पढ़ाई पे कोई असर नहीं होना चाहिए। यू गाइस एग्री विद मी? हम सबको अपने घरों में पढ़ाएंगे। ग्रेट, तो ठीक है, बहुत सारे काम है, चलते हैं। एक्सक्यूज मी देव भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ लीना बोलो। देव भाई ये सब क्या है? बच्चों के स्कूल में इतना बड़ा इशू क्रिएट करने की क्या जरूरत है? कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचते। आई डोंट अग्री टू ऑल दिस। लीना, मैंने भी देव से यही कहा, लेकिन उसने ये डिसीजन बस ऐसे ही नहीं लिया होगा ना, सोच समझ कर लिया होगा। हमें उसे कुछ वक्त देना चाहिए। सोना, लेकिन इशू क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, जैसा चलता आ रहा है वैसे चलने देना चाहिए ना। अलीना, जब तक कोई आगे आकर क्वेश्चन नहीं करेगा तब तक कुछ चेंज नहीं होगा, और चेंज बहुत जरूरी है। प्लीज थोड़ा पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा। ऑल प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग
कुछ नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि आज हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, हजारों साल पहले की बात, डायनासोर की। हाँ, और भी बहुत सारी बातें। जी, ऐसे लग रहा है जैसे हमारे घर में स्कूल खुल गया। जी भाभी, देखिए ना, मतलब देव बहुत अच्छे से पढ़ा लेगा। आप तो जानती हैं, देव खुद पढ़ाई में कितना तेज हुआ करता था, और उसे सिर्फ किताबों की बातें नहीं, पूरी दुनिया भर की बातें जाननी होती थी। मुझसे भी इतने सवाल पूछता, मैं तो जवाब नहीं दे पाती। अब बस देखना यह है कि देव का ये तरीका बच्चों के लिए कितना सही होगा। हाँ जी जी, कह तो आप सही रही हैं, पर ना एक्स करीब की बेटी को लगता है कि पढ़ाई के लिए ना स्कूल ही अच्छा है। हम स्कूल के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते, हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए वरिड हैं। ये हमारे प्रपोजल के पॉइंट्स हैं, हम इसीलिए आपसे मिलना चाहते थे। मिस्टर दीक्षित, आपके कंसर्न्स जो है वो तो वैलिड है, लेकिन हमारा ये जो स्कूल है इंटरनेशनल स्कूल है, और यहाँ पर वही रूल्स फॉलो किए जाते हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड अप्लाइड है। हम इस तरह से पॉलिसीज चेंज नहीं कर सकते। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आपको हमारे पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे। हमारे साथ और भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं, अगर हम एक साथ प्रोटेस्ट करें तो कल को आपसे सवाल पूछे जाएंगे, मीडिया आपसे सवाल करेगी, गवर्नमेंट आपसे सवाल करेगी, हो सकता है स्कूल भी बंद हो जाए। मिस्टर दीक्षित, हम आप लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें टाइम की जरूरत है, हमें इंटरनेशनल स्कूल बोर्ड से भी बात करनी होगी। आप भूल रहे हैं, मैं यहाँ का ट्रस्टी हूँ। हमें हैरानी है कि आप ट्रस्टी होने के बावजूद बात को समझ नहीं रहे। अब आप मुझे वो करने पे मजबूर कर रहे हैं जो मैं नहीं करना चाहता। मिस्टर दीक्षित, रुक जाइए प्लीज, हम आपकी बात समझ सकते हैं, प्लीज हमें एक मिनट दीजिए। मिस्टर दीक्षित, हमें आपका प्रपोजल मंजूर है, हम प्रिंसिपल सर और बाकी टीचर से भी बात कर लेंगे, जैसे आप चाहते हैं बच्चों को भी वैसे ही पढ़ाया जाएगा। थैंक यू जनरल। इतनी सारी दवाई क्यों दी? माँ, डॉक्टर का कहना है कि आजकल बच्चे बाहर कुछ भी खाते हैं, हेल्दी खाना नहीं खाते, इसीलिए बहुत जरूरी है। और तू यहाँ क्या कर रहा है फिर? हाँ, क्या बता रहा है इन दोनों को क्या क्या खाना चाहिए? कमाल है देव, खबरदार तुम दोनों ने बाहर का खाना खाया तो। ओ, ये लिस्ट तो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये सब खाना वापस इनको कभी ना दूं। तो पापा बच्चे अच्छा अच्छा, एक सेकंड चुप करके बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छे से ख्याल रखती है, एक आध बार खा लिया बाहर से, पर अच्छी जगह से तो कोई बात नहीं। हाँ बच्चा, कभी कभी खा लेंगे, क्या नुकसान होगा? चुप हो जाओ तुम दोनों, कोई नुकसान नहीं होगा और मैं नुकसान होने भी नहीं दूंगा। ओके, देव, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हर कदम तुम्हारा साथ दूंगी। तुम मेरे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो कल तक बाबा की जिस बात हम मजाक लेके चल रहे थे वो आज तुमने सच कर दिखाया। दूल्हा, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे दादा,
सो जिद कर रही थी कि मैं यही रुकूं और उसके साथ उसका होमवर्क करूं, उसकी हेल्प करूं। तुझे पता ना कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी वो। अरे दादा, लेकिन मैं आ नहीं सकती थी ना। ये सब तो तू रात को आके भी कर सकती थी ना। तू इतना गर्म क्यों हो रहा है? पर माँ, तू देख नहीं रहा है क्या वो क्या क्या हैंडल करेगी? ऑफिस भी, सोहा को भी, तू भी तो कर सकता है ना। माँ, वो मीटिंग में उसका रहना बहुत जरूरी था। मुझे लगता है अगर देव सोना के साथ होता तो दोनों चीजें मैनेज हो जाती। अरे तुम लोग मुझे ऐसे क्या भूल रहे हो? क्या गलत कह दिया मैंने? देव अगर सोना के साथ होता ना तो सिचुएशन डिफरेंट होती। क्या डिफरेंट होती? और बाबा, देव अचानक से कहाँ आ गया? आपको लगता है कि देव सब कुछ छोड़ के सोहा की हेल्प करता है यहाँ पे? कुछ भी बोल रहा। मैं जो बोल रहा हूँ सोच कर ही बोल रहा हूँ। बच्चों और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वाइफ की होती है। ये कहाँ लिखा है? हस्बैंड भी तो ये काम कर सकता है। तुम फालतू की बहुत बहस कर रहे हो। यही तो प्रॉब्लम है, कोई सोचना ही नहीं चाहता। मैं देव से नफरत करता हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि वो ये काम कर सकता है। तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? हस्बैंड वाइफ का काम क्यों नहीं कर सकता? हस्बैंड और वाइफ के रोल चेंज क्यों नहीं हो सकते? मुझे ऑफिस में काम है, मैं निकलता हूँ। किचन में सब्जी है। सोहा, यही प्रॉब्लम है। थोड़ी इंस्पिरेशनल बात करो तो सब लोग भाग जाते हैं। तो पता है बाबा ने आज क्या कहा? उन्हें लगा है कि अगर तुम मेरे साथ होते तो शायद घर पे बैठ के सोहा को संभालते और मैं ऑफिस जाकर अपना काम संभालती। बात बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि हमारी सोसाइटी के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। फिर भी उनकी बात पर यकीन करने को दिल कर रहा था क्योंकि मैं जानती हूँ ना कि तुम दुनिया के बनाए हुए नॉर्म्स पे नहीं बल्कि अपने नॉर्म्स पे जीते हो। मैं सही कह रही हूँ ना देव? अच्छा, तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट रोमांस है। याद है सोनाक्षी, जब हम वो टपरी पे बैठ के कॉफी पीते थे और वो बारिश में डांस करना? और उसमें तुम हमेशा टॉप करते थे। और टीचर तो तुम ही हो ना? दाश, 15 out of 20। अनु, 10 out of 20। सुहाना, 19 out of 20। थैंक यू मैम। वेलकम। गोलू, 20 out of 20। ये, थैंक यू मिस। ये गोलू, एक मिनट इधर आना। मैंने अच्छे से तो चेक किया था ना। सुहाना, एक मिनट आना। मैंने तो अच्छे से चेक किया। क्या मैं एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है जो गेम एडमिन ने भेजे ताकि हम फेल ना। गोलू, आपने पहली बार इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए। या मिस, मैंने लास्ट टाइम बहुत लो स्कोर किया था इसलिए मैंने आज बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। गुड। सना ने भी ना। अगर ऐसे ही पढ़ते रहे ना तो बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। प्लीज आप हमारे मॉम डैड को कॉल करके बता दो कि हमारे फुल मार्क्स हैं। ठीक है, मैं उन्हें कॉल कर दूंगी। थैंक यू मिस। वेलकम। हेलो जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी न्यूज दी। दोनों के हाईएस्ट मार्क्स। वाओ, अब तो मुझ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया ना। कॉन्फिडेंस गया ही नहीं था। ओके, लेकिन आई एम रिलीव्ड। अब पता चला कि जब बच्चों को इतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं पेरेंट्स को एक पीस मिलता। हमारे बच्चे हैं ही ऐसे सबसे बेस्ट। देव, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये देखो ना, बैलेंस शीट मैच ही नहीं कर रही है। देखा, इसलिए इस प्रोजेक्ट में इतनी कंफ्यूजन है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है लेकिन मैं थोड़ी देर सोचूंगा तो शायद कोई सोल्यूशन निकला है।
बंदे को। आई एम ग्लैड कि मैंने तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम शेयर किया। यू आर जस्ट ऑसम। और तुम हर काम परफेक्टली कैसे करते हो? आई एम सो ग्लैड दिस यंग टैलेंटेड ब्रिलियंट मैन इज माइन। बस सब इतनी तारीफ मत करो वरना मैं इस कुर्सी में बैठा बैठा मोटा हो जाऊंगा। तुम इतने टैलेंटेड कैसे हो? अरे क्या हुआ शुभ, जलस हो रहा है क्या? सोनाक्षी मुझे हमेशा से बस यही चाहिए, ऐसी फैमिली इसमें बस प्यार ही प्यार, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ। अच्छा, मेरी वजह से तुम्हें ये सब मिला और तुम्हारी वजह से मुझे एक परफेक्ट फैमिली मिल गई। बस एक चीज की कमी है। किस चीज की? हमारी डेट नाइट ना बहुत दिनों से नहीं हुई है। आई मिस दैट। तो ठीक है, मैं कुछ प्लान करता हूँ। अगर हम बाहर नहीं जा सकते तो मैं घर पे ही एक मिडनाइट डेट प्लान करता हूँ। Really? हाँ, मैं तुम्हारे लिए इटालियन भी बनाऊंगा। ओके? Wow, I can't wait. Great. हेलो। हाँ हाँ डॉक्टर, यस मुझे याद है, मैं शुभ को लेके आपके पास आ ही रहा हूँ। ओके। क्या हुआ शुभ को? डॉक्टर के पास क्यों ले जाना है? रिलैक्स, सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए जाना है। तुम्हारे चक्कर में ये भी भूल गया था। अच्छा, ओ प्लीज, हाँ तुम्हें याद ही नहीं था। हेलो, प्लीज मुझे याद था। इसका मेडिकल कार्ड भी घर पे, वो भी लेना है। एक काम करते हैं, मैं शुभ को हॉस्पिटल ले जाती हूँ। ऐसे भी इस प्रोजेक्ट में मन नहीं लग रहा, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। फॉर अ चेंज मैं बाहर जाती हूँ। लेकिन तुम्हारी मीटिंग भी तो है। हाँ है तो, लेकिन मैं इसे हॉस्पिटल ले जाऊंगी और मीटिंग एक्चुअली प्रेजेंटेशन तुम दे। मैं? सोनाक्षी मुझे तो डिटेल्स पता भी नहीं है। देव, मैंने तुम्हें ब्रिलियंट ऐसे ही नहीं कहा। ओके, लेकिन सोनाक्षी तुम ये सब संभाल लोगे ना तो इसके वैक्सीनेशन के साथ साथ मैं एक इम्पोर्टेंट वेंडर मीटिंग भी खत्म कर सकती हूँ। ओके ओके, तो मैं इसको लेके जाती हूँ। ओके, एंड ऑल द बेस्ट। वेलकम एवरीवन। हेलो हेलो मिस्टर दीक्षित, आप? हाँ, एक्चुअली सोनाक्षी काम से बाहर गई है इसीलिए मैं यहाँ। आपको देख के अच्छा लगा मिस्टर दीक्षित कि डॉक्टर बोस ने अपने घर के साथ साथ अपने न्यूट्रिशन बिजनेस की जिम्मेदारी भी आपको सौंप दी है। हमसे जो भी बेस्ट हो सकता है वी ट्राई एंड डू दैट। बट रियली हम लोग रीशेड्यूल कर सकते हैं, डॉक्टर बोस हमें बाद में प्रेजेंट कर सकती है। नहीं, इट्स ओके, मैंने भी कुछ प्रेजेंटेशंस दी हैं, तो इफ यू प्लीज अलाउ मी। प्लीज गो अहेड। थैंक यू। यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है बाबी जी। विक्की भैया जी अभी 4 दिन पहले हम पे चोरी का इल्जाम लगा दिए थे। कह रहे थे कि उनके बटुए से 4,000 रुपए हमने निकाल लिए। तुम वही बात को लेकर अब तक परेशान? अरे तुम्हें पता है ना, विक्की चीजें भूल जाता है। उसने कहीं अपने पैसे रख दिए होंगे तो? नहीं नहीं, उन्होंने पैसे नहीं रखे, पैसे तो हमको मिल गए। काम मतलब क्या क्या बोल रहे हो? अभी हम बच्चों के कमरे की सफाई कर रहे थे तो उनके गद्दे के नीचे से हमें 2,000 रुपए के 2 नोट मिले। चौके रूम से? जी भाभी जी, सोच रहे थे कि हमारे ड्यूटी बनता है आप लोगों को बात बताने का, इन समझ नहीं पा रहे थे कैसे बताएं। देव ने मुझे ये मेल क्यों भेजा? क्यों? अलाउड नहीं है। मैंने कब ऐसे कहा? लेकिन इसमें है क्या? एक्चुअली मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट? सोहा और गोलू की डाइट का तो तुमने हमेशा से ख्याल रखा है, लेकिन उनके स्कूल में जो बाकी बच्चे हैं उनका क्या? क्यों, वो हेल्दी खाना नहीं खाते? बिल्कुल भी नहीं। मैंने उनकी ईटिंग हैबिट्स चेक की, उनके पेरेंट्स को भी कंसल्ट किया,
और उनकी डाइट में सिर्फ और सिर्फ जंक है। ओह, एग्जैक्टली। हम अंडर प्रिविलेज बच्चों की बात कर रहे थे, लेकिन ये बच्चे भी अनहेल्दी खाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज हैं, न्यूट्रिशन तो है ही नहीं। आई एग्री कि बच्चों को जंक फूड पसंद होता है, लेकिन बच्चे जंक फूड खा सकते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी, और तभी जब बाकी टाइम उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, हेल्दी खाना खाए तब। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनके लिए एक डाइट चार्ट बनाओ, वो उसे फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना वो पूरी लाइफ जंक फूड और साथ में वो दवाइयां खाते रहेंगे। लेकिन देव, जिन बच्चों को आदत नहीं है हेल्दी फूड खाने की, उन्हें थोड़ा टफ होगा। उसका भी सलूशन है, जो खाना बच्चों को पसंद है हम उसमें भी न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पास्ता, ब्राउन पास्ता यूज कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे वेजीज डाल सकते हैं, चीज कम डाल सकते हैं। ऑफ कोर्स ये कर सकते हैं, लेकिन देव तुम्हें नहीं लगता कि बाकी पेरेंट्स ये हमारी इंटरफेरेंस जैसे समझेंगे? लोग इन कामों के लिए हजारों खर्चते हैं, डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, अब हम उन्हें फ्री में एडवाइस दे रहे हैं तो उन्हें बुरा क्यों लगेगा? तुम दूसरों के बारे में कितना सोचते हो? अब कौन सा मेल भेजा है तुमने? सारे पेरेंट्स के ईमेल एड्रेसेस हैं, सबको मेल कर दो। लेकिन बात तो तुमने की है ना सारे पेरेंट्स से? अरे अब काम तुमने किया तो क्रेडिट भी तो तुम्हें ही मिलना चाहिए ना। सबको मेल तुम्हारी आईडी से जाएगा। I'm so cute ना? डन। अब और कुछ मत बोलना मुझे करने के लिए। अरे बार बार मुझे ही डांटती रहती हो। अच्छा हाँ, एक बात बोलना तो भूल ही गया मैं। अब क्या? थैंक यू। गेमर समझने लग गया। लूजर 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 लूजर। तुमने सुना ना, तब मुझे क्या पढ़ने में लूजर हूँ। रुकी बेकचा ने मेरा फोन ले लिया, अब मैं गेम नहीं खेल सकता, लेकिन अब मैं इन सबको बताऊंगा मैं लूजर हूँ ना। यू गोलू रुक जा। क्या करना है शुभ को? मस्ती करनी है? हाँ मस्ती करनी है, बहुत सारी मस्ती करनी है। क्या क्या बोल रहा है? मम्मी पापा से बात करनी है। क्या बात करनी है? मैं ना तुम्हें खा जाऊंगी, तुम बहुत क्यूट हो। हेलो, कोई नहीं खाएगा शुभ को, वो कोई आइसक्रीम नहीं है। मैं वीडियो बनाती हूँ, एक मिनट। ओके क्या क्या? कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। बन गया, ये देखो कितना क्यूट लग रहा है। अच्छा वो अपने पापा पे गया है। बस बस हाँ? अरे मस्ती, सिर्फ मस्ती कर रहा था मैं, जोक्स यू नो। ओके शुभ, आपका बेड टाइम हो गया है, अब सो जाते हैं, चलो। देव मैं उसे सुलाऊंगी, दो मुझे। बिल्कुल नहीं, कल पूरा दिन ऑफिस में यौन करती रहोगी, मैं सुला देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके जा, तुम सो जा, दो उसे मुझे। देव मैंने कहा ना लेडीज फर्स्ट। This is not fair. चलो सोने का टाइम हो गया है। शुभ शुभ शुभ।
गुड नाइट। बोलो तो सो क्यों नहीं रहा है, कल स्कूल नहीं जाना? मुझे कोई नहीं बीट कर सकता। तो गेम खेल रहा है, देख नहीं रहा क्या? पर तेरे पास फोन कहाँ से आया? पापा ने तो फोन छुपा दिया था ना। ये लेवल क्रॉस। बोलो धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो हमें डांट पड़ जाएंगी। अरे अगर तू ये गेम प्ले करेगी तो तुझसे भी कंट्रोल नहीं होगा, यहाँ तक की सबसे पास गेम है। तेरे पास फोन आया कैसे वो तो बता। मैंने चुपके से फोन निकाल लिया था, मुझे पता भी चलने ये सब गैजेट कहाँ हाइड किए थे। हाँ तूने चोरी की? ये स्टीलिंग तो है ना, मैं तो अपना फोन वापस लिया है बस। पर पापा ने मना किया था ना, फिर क्यों लिया तूने? कि मुझे ये गेम प्ले करना था। मैं स्कूल के बैग बॉय जो है ना वो ये गेम प्ले करते हैं, अगर मैं ये गेम प्ले नहीं करूँगा तो मुझे पीट कर देंगे। लेकिन किसी को पता चल गया तो? स्वाद किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मुझे लूजर नहीं बनना है, मुझे जीतना है। लेकिन जीतने के लिए गलत काम नहीं करते गोलू, मुझे स्कूल से निकाल देगी। और तो अगर पकड़ा गया तो? वो मेरी सिस्टर है ना, वो बस किसी को मत बता, नहीं बताएगी ना। ठीक है नहीं बताऊंगी। तुम्हें बेस्ट सिस्टर है ना, पर अब क्लास में चल, टीचर ने देख लिया तो डांट पड़ जाएगी और हम पकड़े जाएंगे। What? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ बहुत गलत हो गया? भाई हम जानते हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, इनफैक्ट आप बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, आपने तो उनके स्कूल को पूरा ट्रांसफॉर्म भी कर दिया। लेकिन हम आपसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना चाहते हैं, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। हाँ भाई आप सब काम परफेक्ट कर लेते हो, लेकिन अगर आप किसी से हेल्प ले लोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से छोटे हो जाओगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा बहुत भी किसी से। तुझे भी यही लगता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक से नहीं निभा रहा हूँ? विकी कम ऑन, अपने भाई पे इतना भी भरोसा नहीं है? बात भरोसे की है ही नहीं देव, हम सब एक परिवार है तो परिवार में एक दूसरे की जिम्मेदारी बांट लेनी चाहिए, जिससे बच्चों पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। माँ तुम लोग कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो, एक सरप्राइज टेस्ट था जिसमें उनके नंबर कम आए, कोई फाइनल एग्जाम में फेल नहीं हुए। अब तुम लोगों ने मुझे मौका दिया है कुछ करने का, तो बार बार मुझे जज तो मत करो। हाँ देव जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, हम सब परेशान हैं क्योंकि हम बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। और एली तू बता, तूने कभी गलती नहीं की गोलू के साथ? मैंने सुहा के साथ गलती की। हमें जिस तरह से मौका मिला है ना, उसी तरह देव को मौका मिलना चाहिए। Just because हम माँ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो भी करें वही सही है हमेशा। माँ तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूंगा। बोले क्या कर रहा है? एक बार चेक कर, न्यू चैनल तो नहीं आया? तो कब से वही चेक कर रहा है? तू स्टडी कब करेगा? तो क्या करूं, न्यू चैलेंज आएगा तो करना पड़ेगा ना। मैं तो पहले ही कहा था कि मम्मा पापा को बता देना चाहिए, उनके पास जरूर कुछ सलूशन को। किसी के भी पास इस गेम का सलूशन नहीं है सोहा, अगर मैंने बता दिया तो मुझे स्टडी के लिए बहुत डांट पड़ेगी। वैसे भी ये लास्ट चैलेंज है, उस बार फिनिश। बोलो अगर इसे नेक्स्ट चैलेंज बहुत डिफिकल्ट आया तो हम लोग क्या करेंगे? हमें कैसे भी लास्ट चैलेंज कंप्लीट करना है, तो पापा ऐसी बातें बोलते बंद कर। हाँ लेकिन नहीं कर पाए तो वेरी बैड होगा। मैंने सुना है कि दूसरे क्लास के बच्चे ने चैलेंज कंप्लीट नहीं किया तो उसको सारे सब्जेक्ट में फेल कर दिया। सारे सब्जेक्ट में? हाँ
सारे के सारे सब्जेक्ट, और एक बार तो हमने पेरेंट्स को टेल किया और वो भी पूरी तरह से फेल हो गया। तो उसके बारे में किसको मुझे बताना प्लीज। कंप्लीट करना ही पड़ेगा वरना फिर से पनिशमेंट मिलेगी और गेम भी ओवर नहीं होगा। अब क्या चैलेंज है? हमें एक चूल्हा फाइंड करना है। वो कैसे मिलेगा? मुझे एक प्लेस पता है, यहीं पे ही मैंने एक चूल्हा देखा है। हाँ वहाँ पे तो कोई नहीं रहता, इसलिए वो हमारी सबसे बेस्ट प्लेस है। चल बोलो, ये सेफ नहीं है, हम अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए हमें ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए। तो मुझे ये सब नहीं करना, पर और कोई ऑप्शन तो भी नहीं है। पर तुझे क्या, तुझे तो मैं कोई वरिष्ठ नहीं है, हाँ मैं तेरा ब्रदर भी नहीं हूँ ना। मैं लोन नहीं देता तू। गोलू गोलू कुछ भी मत बोल, तेरा ब्रदर है, मैं तेरे साथ चलूंगी, पर हमें जल्दी गेम ओवर करनी पड़ेगी। मुझे भी ये गेम पूरा करना है, पर अगर हमने ये चैलेंज कंप्लीट नहीं किया तो मेरी फैमिली को हार्ट हो सकता है। तो टेंशन मत ले, मैं हूँ ना तेरे साथ। चल देख, इसी चूल्हे की बात कर रहा था मैं। सिर्फ चूल्हे पे स्विंग करना तो बहुत इजी है, सिर्फ स्विंग नहीं करना, जोर से स्विंग करना ताकि मैं फेस पे नीचे गिर जाऊं। तू पागल हो गया है क्या? तुझे फेस पे चोट लग जाएगी। मैं कहा ना मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मैं ये टास्क नहीं करूंगा तो बिचारा हमारी फैमिली को कुछ भी हो सकता है। अभी ये गेम भी तो एंड करना है ना। ये ले फोन, इसमें ये सब रिकॉर्ड कर दे लेना। अभी अभी अर्जेंट है, जल्दी से जल्दी प्लीज। ओके ओके भाई, दोनों मिले आपको। नहीं हे भगवान, फिर कहाँ है वो दोनों? जी जी मेरी मेरी तो जान ही डेराई हो रही है। दोनों डेफिनेटली हमसे कुछ छुपा रहे हैं। गुल क्या मैसेज आया है? अगर टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए तो पनिशमेंट मिलेगी, हमें एक बिल्डिंग पे क्लाइम करना पड़ेगा। गुल हम लोग घर चलते हैं, प्लीज चलना। इसमें ये भी लिखा है कि हमें कुछ लोग वॉच कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्विट नहीं कर सकते। हेलो, IMEI नंबर भेजा है, जल्दी से लोकेशन ट्रैक करो। ओके अर्जेंट है देव, जब से बाबा ने इस गेम के बारे में बताया ना मुझे बहुत टेंशन हो रही है देव। काम डाउन सोनाक्षी, कुछ नहीं होगा,
मैंने IMEI नंबर भेज दिया है, लोकेशन ट्रैक हो जाएगी, हम अभी वहीं जाएंगे। कहानी दोनों किस दुनिया में जी रहे, कहानी क्या क्या कर रहे। लोकेशन आ गई, लो मुझे गाइड करो। चलो चलो चलो। कहाँ जाना है सोनाक्षी? सीधा जाना है और आगे से लेफ्ट जाना है। ये लोकेशन बताओ, अब कहाँ? बस यहाँ से लेफ्ट ले लेना। लेफ्ट? बस जल्दी देव, जल्दी चलो। यहां से कहां जाना है सोनाक्षी? तुम सीधा जाओ ना, सीधा जाओ। सौरभ, मैंने तुम्हें कितने दिन से नहीं कहा ना दैट आई लव यू। आई लव यू टू। अब मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊं? काफी दिनों बाद तुम्हें ब्रेक मिला है, अच्छे से एकदम शांति वाला, सम गुड टाइम विद ईच अदर। तुम ठीक हो, बहुत डर गई थी। शुभ को क्या हुआ? माँ, शुभ आपके पास है? हाँ बेटा, मुझे लगा तुम दोनों बहुत थक गए होंगे, इसलिए मैं यहीं ले आई उसे। ले, तू ले। मिस किया आपने मम्मा को? देखो मम्मा का सारा थकान दूर हो गया। देव आया? नहीं माँ, अभी तक नहीं आया। अपने पापा को फोन किया, पूछा कि घर पे क्यों नहीं आया अभी तक। माँ ऐसे फीड करके आती। जाओ बेटा, इसे भी भूख लगी होगी।
स्कूल जाना, चलो जल्दी उठो। पापा से थोड़ी देर और। थोड़ी देर? ठीक है, तू सोता है वहां पर, सो अकेले रेडियो के स्कूल चली जाएगी तेरे बिना। हाँ सोआ इतनी जल्दी कैसे रेडी हो गई? सो तू पर पहले भी तुझे छोड़ूंगा नहीं। जल्दी जल्दी गोलू गोलू। अरे तू का चाहिए, जाने दिनों से विक्की, लेकिन आज उसकी छुट्टी है। विक्की मुझे पता है कि आज छुट्टी है उसकी, हमारी भी तो छुट्टी होनी चाहिए ना कभी। मतलब ये कि वो सोहा के कमरे में जाएगा, सोहा को देखेगा और जब उसे देखेगा सोते हुए तो वो खुद भी उधर सो जाएगा और फिर ये है तुम्हारा जीनियस प्लान, एक सोते हुए बच्चे को उठा दिया। तो छुट्टी है, वो फिर से सो जाएगा वहां पर। यार हमारी भी छुट्टी है और ऐसी छुट्टी हमें बार बार नहीं मिलती है लीना, वी हैव टू सेलिब्रेट यार। और यू नो व्हाट, मेरी कोई गलती नहीं है कि तू सोते हुए मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, क्या करूं मैं? ये मुझे इस सीजन में भी रोमांस नहीं करने देगा। पापा आपने मुझे वेट क्यों किया? आज तो छुट्टी है, सभी सो रही है। मुझे पता है छुट्टी है तो ठीक है, तो उसके साथ क्यों नहीं सोया, यहाँ पर क्यों आ गया फिर से? मैं तो कहीं भी सो सकता हूँ। इसके पहले मैं भूल जाऊँ, बिक्चा ने आपको बुलाया, बोला ये बहुत अर्जेंटली है। बिक्चा ने मुझे बुलाया? हाँ। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? गलती तो जा। तू पापा को उल्लू बना रहा था? मैं तो सिर्फ पेपर रिटर्न कर रहा था पापा। अच्छा, मैं तेरे को रिटर्न कर। ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो हमें जाना चाहिए। अच्छा, घर जाने का तो खाली एक्सक्यूजेस है बहन जी, इसे ना देव की याद कमिंग हो रही है। हाँ मामी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सोना, भी 2 घंटे बचे, जल्दी जाकर उन्हें जीतने देंगे क्या? सोना बेटा, हम सारी लेडीज आर टुगेदर मतलब कब इकट्ठे होते हैं? और वैसे भी ना मेरी माइंड में ना एक आइडिया है। क्या आइडिया है जल्दी से बता दीजिए। आज व्हाट है? दिवाली। हाँ वही तो, और दिवाली के दिन क्या करते हैं? अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं और घूमते फिरते हैं। अरे बेटा, ईटिंग के अलावा भी और बहुत सारे काम होते हैं। देखिए दिवाली के दिन ना कारड खेलते हैं, कारड। Yes! नहीं नहीं भाभी, ताश खेलना अच्छी बात नहीं, जुआ नहीं खेलते भाभी। अरे बुआ जी, जुआ थोड़ी ना खेल रहे, हम तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं ना। और क्या, दिवाली में इतना थोड़ा बहुत तो चलता है ईश्वरी जी। अच्छा चलता है तो फिर ठीक है, आप लोग खेल लीजिए, मैं देखूंगी। मुझे भी पत्ते नहीं खेलने आते। अरे तू क्यों टेंशन ले रही है, मैं हूँ ना, मैं तुझे टीच कर दूंगी। मैं तो नींद में भी ना कारड प्ले कर लेती हूँ। अब खेल रहे हैं ना फॉर्म में भाई, देख रहा अभी जिस हिसाब से खेल रहे ना, ये मैच अपना ही है। पॉइंट और गली के बीच में से बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन। देखा मैंने बोला था ना 300 तो मार देंगे। जाओ जाओ, आपने कहा था 200 भी नहीं कर पाएंगे। अरे मैंने बोला था यार 300 तो आराम से मार। अरे ऐसा कुछ नहीं कहा था तूने, 300 तो बोला ही था मैंने मारने के लिए। कुछ भी भाई, 300 बोला था मैंने। बच्चों क्या कर रहे हो ये? बाप रे, आज तो घर पे भी मैच होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी के भी कार्ड्स अच्छे नहीं आए है ना? नहीं नहीं बहन जी, ऐसी बात थोड़ी ही ना, मेरा तो लक ही ना चमकू चमकू है। हाँ मेरे भी सैड पत्ते हैं। ओ अगर सबके सैड है तो फिर चलो शो करते हैं, करो करो करो। मेरे तो 3 के हैं। हाँ तो ये तो छोटे पत्ते हैं ना। अरे सबसे बड़े पत्ते तो मेरे हैं, इसलिए इस बार भी ना मैं ही विन कर गई। हाँ वो तो है। नहीं लेकिन आप ये मुझे बताइए कि सोना से ज्यादा बड़े पत्ते आपके कैसे हुए? बहन जी वो क्या है ना कि पत्तों का खेल तो वैसे भी आड़ा टेढ़ा होता है, इसलिए जीत गई। लेकिन मामी जी इक्के सबसे बड़े कार्ड होते हैं, ये तो मुझे भी पता है। अच्छा अच्छा मामी जी, आप चीटिंग कर रहे हो तब से, विकी ना आप पर ही गया। मामी जी बेटा जी, दिवाली के दिन अगर कारड प्ले करते हुए चीटिंग ना करो तो फिर आ,
शुरू करें? हाँ, चलो। देखो शुभ रो रहा है, उठो देव, शुभ रो रहा है, उठो, शुभ रो रहा है कब से? सोनाक्षी मैं सो रहा हूँ, तुम देखो। अच्छा, अरे ओहो, सोनाक्षी कहा था ना आज संडे, आज मेरा डे ऑफ है, मैं सोऊंगा और तुम सारे काम करोगी, बच्चों को भी संभालोगी और खाना भी बनाओगी, इसलिए तुम करो। सॉरी सॉरी, तुम सो जाओ, मुझे याद भी नहीं था कि आज संडे। ओके। बस मैंने तो बहुत ज्यादा खा लिया। हाँ बस मैं तो फटने वाला हूँ भाई। माँ आपके चक्कर में ना ओवर हीटिंग हो गई। शौकती माशी, अब तुम लोग इतने दिनों बाद आओगे तो ऐसे ही होगा ना? तुम लोग इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। अरे अभी संदेश, रसगुल्ला सब बाकी है भाई। नहीं बाबा, और मैं और कुछ नहीं खा पाऊंगी। अरे बेटा ये तो रिचुअल है, खाना पड़ेगा ये तो। एलिना बेटा सबको सर्व करो, बच्चों को बाउल में दो। नहीं खाऊंगा तो पछताऊंगा, खाऊंगा तो पछताऊंगा, इसलिए खा लेता हूँ। बिल्कुल, देखो खाना भले ही कम खा लो लेकिन मिठाई बिल्कुल भी कम नहीं खानी चाहिए। चलो एलिना लो, तुम क्या कर रही हो बेटा? सो गई? हाँ सब सो गए, शैतान दोनों भी। तो अभी संडे रिचुअल शुरू करें। संडे रिचुअल क्या है? हाँ कबड्डी खेलने का। कबड्डी नहीं जीजू, लूडो। मैं सौरभ नहीं बताता तो शायद हमें पता नहीं चलता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।